उनका रिसीप्ट भी है कॉपी, ये रहा उनका रिसीप्ट कॉपी भी है। तो एक बार सर रास्ता रोक भी हुआ था आपका बड़ा बाजार में? रास्ता रोक हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग आ रहे हैं, 7 दिन नहीं आ रहा है। हम लोग जिलापाल का पास में आए हैं, उनको एक कंप्लेन देना है और उनसे अनुरोध करना है जो अभी आप हम लोगों का ये चीज को समाधान कीजिए बोल के। तो पानी को रास्ता में उतरने का मजबूर मत किया जाए। तो सर पानी के लिए तो सर कई बार समस्या आपका है। हाँ। ये आपका नहीं, पूरा संबलपुर शहर में पानी का समस्या है। हमारा समस्या कभी था ही नहीं, वहाँ अचानक क्यों हुआ? फर्स्ट काम में वहाँ का कनेक्शन गलती हुआ है, हमारा समस्या कभी था नहीं, हम लोगों कभी आया ही नहीं पानी का समस्या के लिए इतना सा। मगर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लीकेज है, कहाँ फटा है, कोई इंक्वायरी में नहीं आ रहा है। और वो ठेकेदार कॉन्ट्रेक्टर पूछ रहे हैं, हर जगह में नल लगा दिया जा रहा है मगर पानी कहाँ है। नल का पैसा ठेकेदार को पूछ रहे हैं ना, वो जो नल लगा रहे ठेकेदार तो बिल ले जा रहा है ना, मैं काम किया हूँ बोल के, मगर उसका पैसा तो लोग ठेकेदार पा जा रहा है, पानी कहाँ है? पानी नहीं है, एयर है खाली, हवा है और कुछ नहीं। जिस दिन कंप्लेन करेंगे उस दिन आ जाता है। अगर पानी का वहाँ हम खड़ा है चाबी का वहाँ, तो पानी आता है 4 बजे उठ के जाएंगे तो उसका दूसरा दिन फिर नहीं आता। एक मुख्य कारण है और दूसरा कारण हमारे स्कूल का है, वो स्कूल का उन्होंने स्कूल का हो चुका है। तो सर अभी हमने देखा पानी के लिए बड़ा बाजार जो पहले बहुत पानी आता था अचानक बंद हो गया। बंगाली पाड़ा में जो सर वार्ड नंबर जिसे 17 कहा जाता है, असंबलपुर पीएचडी, संबलपुर में टोटल फेलियर हो चुका है, टोटल फेलियर। जहाँ जाओ देखो समस्या पानी। हम ही जिलापाल महोदय करेंगे, आप आइए इसको खुद ध्यान दीजिए। और यहाँ के जो ऑफिसर है कोई तो फोन भी नहीं उठाता है, यदि आप फोन करते हैं फोन भी नहीं उठाता है। जिसे रास्ता रोको करो तब दौड़ दौड़ जाते हैं, वो कहते हैं हम काम कर लेंगे, आज तो कुछ काम नहीं करते। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।